कि एक सीट जो है वो भूमिहार जाति को दे दिए हैं और भूमिहार जाति जो है वो यहाँ के पासवानों को तवज्जो दे नहीं रही है। पासवान से छीनकर एक सवर्ण जाति के लोगों को दिया गया है। हाँ, लड़ाई तो है समस्तीपुर में, लेकिन हाँ सवर्ण वर्सेस लड़ाई जो है वो शेड्यूल कास्ट की लड़ाई है, तो यहाँ बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की लड़ाई है। वो स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के भतीजा थे, के वजह से वो सांसद रहे। समस्तीपुर लोकसभा में आपको बता दें 13 तारीख को वोट पड़ना है। अब दिन चूंकि अब कम बचा है, लोग पूरी तरह से जोर लगा दिए हैं, महागठबंधन के हैं या NDA तमाम प्रत्याशी जोर लगाए हुए हैं। देखिए महागठबंधन के समर्थन में तमाम लोग घूम रहे हैं। महागठबंधन से इस बार प्रत्याशी हैं सन्नी हजारी, जो महेश्वर हजारी के पुत्र हुए। महेश्वर हजारी जदयू से भी मंत्री हैं। अब देखिए ये लोग से समझने का प्रयास करें कि समस्तीपुर में सन्नी हजारी का क्या स्थिति परिस्थिति है और कहाँ से चल के आए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर हेमंत कुमार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते हम यहाँ पर आए। कहा जाता है कि बिहार का तमाम पासवान जो है चिराग पासवान के साथ है, तो फिर आप सन्नी? ऐसी बात नहीं है। चिराग पासवान दुसाध समाज के नेता हैं, मानता हूं, लेकिन यहां पर समस्तीपुर लोकसभा में जो है हमारे उम्मीदवार, हमारे जाति के उम्मीदवार सन्नी पासवान जी हैं, इसलिए उनके पक्ष में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जहां तक चिराग पासवान के LJP से जो है कैंडिडेट, वो दूसरे समाज से आते हैं, उनके पक्ष में हम लोग नहीं काम, हम लोग जातीय संगठन काम कर रहे हैं, जात की ओर से काम कर रहे हैं, जात के लिए ही काम करते हैं, इसलिए जात के उम्मीदवार सन्नी हजारी के पक्ष में हम लोग काम करने के लिए और अपने समाज के लोगों से अनुरोध करने के लिए आए हैं कि उनके पक्ष, उनके जो उम्मीदवारी है उनको मत देकर भारी मतों से यहाँ मैंने उन्हें जिताएं। क्या नाम हुआ आपका? अमर पासवान। कहाँ घर है आपका? हमारा घर मोहद्दीनपुर है। समस्तीपुर लोकसभा के? समस्तीपुर लोकसभा के। क्या लग रहा है, क्या स्थिति इस बार है आपके गाँव में, क्या रुझान है, क्या है? स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते हम लोग सन्नी हजारी के वोट जैसे देंगे और दिलाने का काम करेंगे और भारी मतों से जिताएंगे। अच्छा, इस बार मतलब पिछले 3 दशक से 3 बार से देखा जाए तो समस्तीपुर में बाहरी प्रत्याशी जीते आने, तो इस बार क्या स्थानीय बाहरी मुद्दा है? एकदम है, स्थानीय बाहरी है एकदम मुद्दा। और अच्छा से यह बात जैसे आग की तरह छिटा गया है, स्थानीय ही चाहिए, बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए। प्रतिनिधि वगैरह भी हैं? हाँ, अभी हम सरपंच पति हैं, पूर्व मुखिया थे, अभी वर्तमान में सरपंच पति हैं महद्दीनपुर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र पासवान और गुरु जी हैं। मैं ऑल इंडिया पासवान एकता मंच का राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय दुसाध पासवान महासंघ का अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। समस्तीपुर में हमेशा लोजपा का सिक्का चलते आया है, क्या इस बार मतलब क्या कुछ अलग होगा, बदलाव कीजिएगा? हमें तो नहीं लगता कि कभी लोजपा का सिक्का चला है, कभी वो इतिहास देखिए। इसका पहले भी प्रिंस पासवान रहे, प्रिंस पासवान सांसद रहे, उसमें वो स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के भतीजा थे, इसके वजह से वो सांसद रहे और परिवार पासवान के रहनुमा थे, समझे, इसीलिए वो रहे। और उसी तरह अभी पासवान समाज के नेतृत्वकर्ता जो है वो चिराग पासवान है, पर क्या है कि यहाँ गलती किए हैं कि एक सीट जो है वो भूमिहार जाति को दे दिए हैं और भूमिहार जाति जो है वो यहाँ के पासवानों को तवज्जो दे नहीं रही है, यानी कभी पूछपाछ कर नहीं रही है। तो ये वोट पासवान का समस्तीपुर में? समस्तीपुर में कुल मिला के 3.25 लाख समथिंग वोट है। अच्छा। हाँ, पासवान का। तो हमको लगता है कि जो पासवान समाज है वो 2-3 कारणों से वोट नहीं दे रहा है। एक तो सन्नी हजारी लोकल उम्मीदवार है, तो यहाँ स्थानीय वर्सेस लोकल मैंने बारी की लड़ाई हो गई एक जगह। दूसरा कि यह सीट पासवान की सीट रही है, यह इतिहास रहा है और यह सीट जो है पासवान से छीनकर एक सवर्ण जाति के लोगों को दिया गया है, इसका भी कारण है। यह दूसरा कारण है। तीसरी कारण है कि एक तरफ जदयू के मंत्री अशोक चौधरी जी की बिटिया है, तो एक तरफ जदयू के मंत्री का बेटा भी है, माने किसी मामले में कम नहीं दिख रहा है, ये लड़ाई जो है वो किसी मामले में कम नहीं है, लेकिन अंतोगत्वा सन्नी हजारी जी काफी वोटों से लीड मतलब करेंगे। लड़ाई है समस्तीपुर में? हाँ, लड़ाई तो है समस्तीपुर में, लेकिन हाँ सवर्ण वर्सेस लड़ाई जो है वो शेड्यूल कास्ट की लड़ाई है, तो यहाँ बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की लड़ाई है, तो यहाँ ये एक बात है। उसमें
पासवान समाज जो है वो निर्णायक होगा, क्योंकि पासवान समाज का उम्मीदवार भी है और पासवान समाज के एक नेतृत्वकर्ता का भी उम्मीदवार है, ये दोनों में अस्मत फंसा हुआ है। लेकिन हम लोग तमाम बिहार के संगठन हैं, वो सारे लोग उतरे हुए हैं पासवान समाज के, कि कम से कम यह सीट जो है अपनी अस्मत बचाया जाए और जो गलती जो किए हैं जो नेतृत्वकर्ता उसको हम लोग हटाने का काम करेंगे। तो देखिए समस्तीपुर लोकसभा से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है महागठबंधन और एनडीए में कौन भारी है और जनता यहाँ जो है, बता दें आपको यहाँ पासवान समाज निर्णायक भूमिका में रहता है, तो 3 लाख प्लस जो पासवान वोट है वो किधर जा रहा है, क्या रुझान है, आने वाले समय में क्या होगा, 2-4 दिन शेष बचा हुआ है, बने रहेंगे मघी आवाज के साथ। मैं सन्नू, धन्यवाद।